जय हिंद मेरे धुरंधरों। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तों स्टडी में बिल्कुल लगे हुए होंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का कहना क्या है कि सर हिंदी में हमसे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, इस हिंदी का कुछ जुगाड़ कीजिए, हमसे तो हिंदी नहीं हो पा रही है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप ऐसे 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें एग्जाम में आपको दोस्तों यहाँ पर 4 से जो 5 क्वेश्चन हैं दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको झूठ लगे या सच लगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस 25 क्वेश्चनों को करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो दोस्तों 100% ऊपर पहुंच जाएगा। ये मैं दोस्तों दावे के साथ बोल सकता हूं। जी हां दोस्तों, जो वीडियो को स्किप करेगा ना, वो अभी छोड़कर चले जाइए, क्योंकि इस वीडियो में 25 मिनट में 25 क्वेश्चनों का निपटारा होगा और वो दोस्तों 25 क्वेश्चन मैं कैसे कराऊंगा वो मैं जानता हूं, लेकिन 25 मिनट से दोस्तों 1 मिनट फालतू नहीं होगी, ये दोस्तों मुझे पता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि भाई 1-1 घंटे वीडियो चलाते हैं, वो मेरा मतलब नहीं है यहाँ पर चलाने का। 25 मिनट में 25 क्वेश्चनों का निपटारा मैं करूंगा, चाहे मैं कितना भी टाइम ले लूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो पड़ोसी कहते हैं ना कि तुझसे ना हो पाएगा, अब पड़ोसी बोलेगा कि भाई इसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इसने स्टडी फॉर जीनियस से पढ़ा है, जो हर किसी को जीनियस बना देता है। चलिए दोस्तों, आपको भी जीनियस बनाते हैं और किसी का बाप भी आपको नहीं रोक पाएगा इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने से। देखिए दोस्तों, यहां पर हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि सिर से पानी गुजर जाना। जिसने भी दोस्तों यहां पर पहले पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है, वो भी क्वेश्चनों करेगा, ऐसा धमाकेदार आपको ट्रिक देंगे कि दोस्तों एक ही बार में क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद हो जाएगा। ये दोस्तों हमें पता है कि कैसे खोपड़ी में छेद करना है, बस दोस्तों आप तो हमारे साथ लगे रहिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए भाई क्या होता है। जब कहते हैं ना कि भाई अब तो सिर से पानी गुजर गया है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझसे यही बोला है कि भाई तुझसे ना हो पाएगा, तू एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो इसका मतलब क्या है, जब दोस्तों आपको गुस्सा आता ना कि भाई अब तो सिर से पानी गुजर गया है, अब तो कुछ करके ही दिखाना है, क्या अब तो कुछ करके ही दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है, बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल नहीं आती है, अपमान सहन करना पड़ता है। अरे भाई अपमान तो करते हैं, लेकिन उस अपमान में क्या होता है, सिर से पानी थोड़ी गुजर जाता है। अच्छी चीज का और अच्छा होना, अरे भाई सिर से पानी गुजर गया, अच्छी चीज अच्छा और कैसे हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। दोस्तों सहनशीलता का जो सीमा है उसका टूट जाना, यानी सहनशीलता की जो हमारी सीमा है वो पूरी तरह टूट गई, जब बोलते हैं ना कि भाई तो सिर से पानी गुजर गया, अब तो फोड़म फाड़ करनी है, अब तो एसएससी जीडी को पार ही करना है, अब तो सहनशीलता की जो सीमा टूट चुकी है पूरी तरह। तो ऐसे क्वेश्चनों को पिक करना है, यकीन मानिए दोस्तों एक ही बार में अगर आपने इसको उड़ा दिया ना, तो गारंटी इस बात की कि आप भी 25 में से 25 का टारगेट अचीव कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ बताइए भाई। अरे भाई बहती गंगा क्या है, किसी को 3-4 लोग लपेट रहे हैं, लपेट का मतलब समझ रहे हो, पीट रहे हैं आराम से, और पांचवा आया, पांच में यानी फोड़ा फाड़ करना स्टार्ट कर दिया, तो उसने क्या बोला, भाई बहती गंगा में हाथ मैंने भी धो दिया। यानी बहती गंगा कैसे, कुछ काम हो रहा है और अपना काम भी उसमें बन गया। यानी दोस्तों कैसे होता है, अवसर का फायदा उठाना, क्या अवसर का फायदा उठाना। यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, 4-5 ऐसे लोग हैं जो एक को पीट रहे हैं, तो पांचवा भी आया निकल के, उसने फोड़ा फाड़ करना स्टार्ट कर दिया, वो भी लपेट के चला गया उसको, तो क्या हुआ, उसने अवसर का फायदा उठाया नहीं उठाया। तो ऐसे ही आपको इस बार एसएससी जीडी के अवसर का फायदा उठाना है, जो यहां पर स्टडी फॉर जीनियस आपको कुछ प्रोवाइड कराया ना, तो इसका मतलब क्या है, आप भी बहती गंगा में फायदा उठा लीजिए, यानी अवसर का फायदा उठा लीजिए, ये फ्री में अवसर चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने बहती गंगा में फायदा तो उठा लिया, लेकिन अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं केवल दोस्तों यहां पर YouTube पर ही, तो आप लोगों के लिए दोस्तों हिंदी से अलग अलग यानी सारे सब्जेक्ट की PDF हमने तैयार कर दी है। यकीन मानिए PDF पढ़ने के बाद आप यही बोलेंगे कि गुरुजी आपने तो हमारा काम और आसान कर दिया, क्या आपने तो दोस्तों पेपर को और लड्डू बना दिया, कि पेपर तो ऐसे पास होता था हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वही सीधे सीधे क्वेश्चन आपको इस PDF में देखने को मिल रहे हैं। जी दोस्तों, सबसे बेस्ट PDF पूरे YouTube पर आपको दे रहे हैं, टॉप 25,000 क्वेश्चन की PDF है दोस्तों, यहां पर PDF आपको केवल 100 रुपए में मिल रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, केवल 100 रुपए में, और फ्री क्लासेस तो आपको दे ही रहे हैं यार YouTube पर, केवल 100 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट का PDF मिल रहा है, मैथ, रीजनिंग, GK, GS, हिंदी और दोस्तों इंग्लिश भी सब कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है केवल 100 रुपए में। यकीन मानिए अगर इस PDF को आपने पढ़ लिया ना, तो किसी का बाप भी आपको इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों मेहनत है यार, 4 से 5 महीने की पूरी मेहनत है जो आपके लिए केवल 100 रुपए में दी जा रही है, ठीक है।
जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इससे ना हो पाएगा, वो ही दोस्तों इस पीडीएफ को पढ़कर सिलेक्शन लेगा। इस बार जो लोग बोलते हैं ना कि तुझसे ना हो पाएगा, वो भी आपको देखेंगे कि क्या हो रहा है भाई, कैसे इस लड़के ने एक ही बार में एसएससी जीडी को पास कर दिया। देखिए दोस्तों, ये नंबर है 6396453592, इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। इस नंबर को नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में इतना सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 25,000 क्वेश्चन का, कि एक ही बार में एसएससी जीडी भी यही बोलेगा कि भाई अब तो तेरी होगी मैं, क्या अब तो तेरी होगी मैं, तूने इतनी मेहनत की है, अब तो तू ले जा, क्या अब तो तू ले जा, एसएससी जीडी की वर्दी अब तेरी है, तू इसे ले जा। तो देखिए दोस्तों, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और करिए कैसे आप, इस नंबर पर दोस्तों अभी मैसेज कीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, मैसेज कीजिएगा, 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। चलिए दोस्तों, बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लकड़ी से हांकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भाई बहुत तेजी से करा रहा हूँ मैं, ठीक है, अब टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। कि एक ही लकड़ी से हांकना, यानी दोस्तों सभी को एक बराबर समझना, सभी को दोस्तों एक समान समझना। जैसे दोस्तों क्या होता है, जब आपकी किसी अपने भाई छोटे भाई से लड़ाई होती है, तो उससे दोस्तों डांट लगा देता है, आपका कोई छोटा भाई आपको डांट लगाता है, यानी दोस्तों छोटे को तो लगा रहा है और आपको भी डांट लग रहा है, यानी दोस्तों वो एक की लकड़ी से सबको हांक रहा है, ना छोटा दिख रहा है ना बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अच्छे बुरे की पहचान ना करना, सभी को दोस्तों एक बार में लपेट रहा है कि तू भी है, तू भी है, तू, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बहुत ईजी है और दोस्तों मजा आने वाला है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अब देखिए दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना, मान लीजिए दोस्तों यहां पर क्या है, देखिए दोस्तों यहां पर यह टाइगर श्रॉफ, मान लीजिए भाई टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ एक हीरो है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, टाइगर श्रॉफ है, ठीक है। टाइगर श्रॉफ कैसे हो गया, टाइगर श्रॉफ दोस्तों बहुत अच्छी मेहनत करता है भाई, लड़का अच्छा है, अच्छे से दोस्तों जो स्टंट वगैरह कर लेता है। और दोस्तों मान लीजिए उसकी शादी हो जाती है और उसका एक लड़का हो जाता है, जो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है, कमजोर है, ऐसे पड़ा रहता है, इधर उधर करता रहता है, तो क्या होगा भाई, उसको तो सब कुछ मिल जाएगा, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। यानी दोस्तों इसे बोलेंगे कि भाई अंधे के हाथ बटेर लगना, कि बाप ने इतनी मेहनत की तब जाकर दोस्तों स्टार बना, और इस टाइगर श्रॉफ के लड़के को क्या है, मजे ले रहा है, ना जिम जाता है ना कुछ करता है, आराम से पड़े रहता है भाई, पैसा बाप का है, मजे ले रहा है। तो इसका मतलब बिना मेहनत के उपलब्धि हो जाना, ठीक है, बिना मेहनत के उपलब्धि मिल जाना, इसे कहते हैं अंधे के बटेर लग गए भाई। गंगे गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। देखिए दोस्तों बहुत इजी है लोकोक्ति, इसका अर्थ क्या है बताइए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब कुछ काम हो जाता है ना, मान लीजिए किसी को आप कोई काम आपका दोस्तों अटक रहा था और वो काम एक साथ हो जाए, फिर कहते हैं भाई अब तो मैं गंगा नहा लिया, क्या अब तो गंगा नहा लिया, जमुना जमुनादास नहा लिए, गंगा गंगादास चले गए। तो इसका मतलब है कि अवसरवादी, यानी दोस्तों अवसर मिल गया, दोनों का काम बन गया, क्या अवसर मिल गया, दोनों का काम बन गया। अब देखिए यहां पर आ गया दोस्तों एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि वैश्व नर का पर्यावाची किस विकल्प में है। देखिए वैश्व नर क्या होता है, वैश्व नर कहते हैं दोस्तों किसको, यहां पर आग को, किसको कहते हैं आग को। अब आग को कहते हैं तो आग क्या है, ऑप्शन नंबर डी में चमक रहा है। सुधा क्या है दोस्तों, रात्रि को कहते हैं। विष क्या है, ये दोस्तों जहरों को कहते हैं। मंदाकिनी क्या है, ये रात को कहते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची है, ठीक है, अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधकार का पर्यायवाची है तिमिर। तिमिर का क्या होता है, तिम भी होते हैं, इसे क्या होते हैं अंधेरा बोलते हैं, तिम तिमिर अंधकार, और इसका अंधेरा भी होता है, ठीक है, इसका अंधेरा भी होता है, वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग वगैरह भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, बिल्कुल लग जाइए अब तो दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शशि का पर्यायवाची क्या है, शशि को किसको कहते हैं भाई, शशि कहते हैं भाई यहाँ पर चंद्रमा को, किसको कहते हैं, अब चंद्रमा को। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं भाई, चंद्रमा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बादल का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए बादल क्या होता है, बादल दोस्तों क्या होता है, बादल में भरा होता है जल, ठीक है, बादल में भरा होता है जल, और जल के साथ जब भी दोस्तों दय लग जाए, ये ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएगा, जब भी जल के साथ जय लग जाए ना, तो वो किसका पर्यायवाची होता है, बादल का हो जाता है। देखिए दोस्तों जय किसमें, दय किसमें लग रहा है, दय लग रहा है भाई इसमें सी में, तो ये हो जाएगा किसका, बादल का, ठीक है। बादल किसको कहते हैं भाई, बादल उसको कहते हैं जो जल ले जाता है, जल ऊपर ले जाता है, जल दय में इसका होता है दोस्तों, जल जिसके साथ जल हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंज का पर्यायवाची है, अब बताइए भाई कंज क्या है, इसमें कंज क्या है, कंज क्या है भाई बताइए, कंज का होता है भाई इसका कमल का फूल, ठीक है, कंज कहते हैं कमल के फूल को, ठीक है, कमल यानी कमल के फूल में अधिकतर दोस्तों एंड में इसके जय लगा होता है, एंड में जय जिसके लगा होता है वो किसका होता है, जैसे सरोज, सरोज किसका है भाई, कमल का, इसके जय लगा हुआ है। तो ऐसे दोस्तों देखिए, अब इसमें अर्क है,
अर्क ही कैसे कहते हैं दोस्तों, इसे सूर्य का भी कहते हैं अर्क को, तो ये सूर्य का है। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये अर्कंज का जो पर्यायवाची नहीं है। पुंडरीक भी दोस्तों किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। अरविंदी भी कमल कहते हैं। नलिन भी किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है भाई, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा, पठार हो जाएगा, क्षितिज हो जाएगा या पर्वत प्रदेश हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। हाँ तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर बताइए भाई, यहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं आप, उसके लिए बोल सकते हैं भाई क्षितिज। क्या बोल सकते हैं, क्षितिज इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पठार किसे बोलते हैं, पठार दोस्तों एक समतल स्थान बोलते हैं जो पर्वत के ऊपर होता है, अंतराल जिनके अंतर होता है बीच में, पर्वत प्रदेश जो पर्वत में प्रदेश जो पर्वत प्रदेश में होते हैं। ठीक है, तैरने की इच्छा के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, अब बताइए भाई इसमें क्या है। अगर आप तैरने के लिए जाते हैं, तैरने की जो इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, बुभाषा या तितरीसी या पितासा या जिज्ञासा। जिज्ञासा दोस्तों किसे बोलते हैं, जिसे करने की आशा हो, जो जिज्ञासु व्यक्ति हो कि इसे करके मानेगा हो। पितासा क्या है, पिता की इच्छा को पूरा करने वाला। तीर्थासा क्या है भाई, तैरने की इच्छा को पूरा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है। दक्षिण पूर्व क्या है, ये हो जाएगा पूर्व, ये क्या हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा दक्षिण, इसके बीच की ये चीज़ पूछी है आपसे, ये चीज़ पूछी है, इसके बीच की ये चीज़ पूछी है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आग्रह। क्या हो जाएगा, आग्रह बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं, आग्रह। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और देखने में आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग सकता है। हर काम को देर से करने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है भाई, क्या बोलते हैं भाई, ये तो हर काम देर से करता है, क्या ये काम तो हर काम देर से करता है, क्या है इसे, क्या बोलेंगे भाई, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, दूरदर्शी दूर को देखने वाला, अदूरदर्शी दूर को नहीं देखने वाला, दीर्घ सूत्री क्या बोलेंगे, जो दोस्तों हर काम को दूर हर काम को देर से करे उसे कहेंगे दीर्घ सूत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर एक शब्द के बारे में, जिसकी पहले आशा नहीं की हुई हो उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए भाई, जिसकी पहले आशा नहीं की हुई हो, जिसमें आशा आ रहा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आशातीत, आशातीत। एल कल्पनीय जिसकी कल्पना ने की हुई हो, ए प्रत्याशित जिसकी दोस्तों कहीं जिसकी कभी यहाँ पर प्रत्याशित का मतलब है प्रशंसा नहीं की हुई हो। ठीक है, अकल्पित कल्पना ने की हो, यहाँ कल्पित का मतलब कल्पना है, अकल्पनीय के मतलब कल्पना है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, अब आइए भाई आपको देखते हैं कि शुद्ध करना आता है या नहीं आता है, कि आप क्वेश्चन में घूम जाएंगे या नहीं घूमेंगे। यहाँ देख लें कि वाक्य को शुद्ध कौन सा बताइए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। देखिए भाई कितनी मिनट हो चुकी हैं, 12 मिनट हो चुकी हैं, और पहले निपटारा कर दूंगा भाई, 25 क्वेश्चनों को पहले निपटारा कर दूंगा। आज से तुमको वहां जाना है, आज से तुमको वहां जाना है, आज से तुम्हें वहां जाना है, आज से तुमको वहां जाना है, आज से तुमने वहां जाना है। ये तो तुमने तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसे तो बोल ही सकते हैं। अब देखिए आपको कैसे लॉजिक लगाना है, आज से तुमको, तुमको यानी भाई एक व्यक्ति को बोल रहा है तो तुमको तो आएगा नहीं, आज से तुम्हें वहां जाना है, ये सही हो जाएगा। इसमें भी को आ रहा है, इसमें भी को आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। आज से तुम्हें वहां जाना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए भाई, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, ये हो जाएगा, मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा, हमारे यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, मुर्दों को जलाया और गाड़ा जाता है। अब बताइए, अब बताइए भाई, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए भाई, मेरे जूते तुम्हारे जूते से अच्छे हैं तो ये सही हो जाता, लेकिन गलत है, मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा, वापस भी आ रहा है लौट कर भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों की जगह आ गई, ये भी गलत हो जाएगा। मुर्दों को जलाया और गाड़ा जाता है, भाई दोनों को कैसे एक साथ कैसे जलाया जाएगा गाड़ा जाएगा, मुर्दों को जलाया गाड़ा एक कैसे हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, देखने में हमारे यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये आपने डेयरी वगैरह पर देखा होगा कि हमारे यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल सही लिखा होता है भाई, वहाँ पर भी शुद्ध होता है, वो भी शुद्ध दूध, शुद्ध मतलब। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए भाई, वह आगरा गया, भाई आगरा होता है भाई मेरे दोस्त, क्या आगरा होता है, आगरा कौन बोलता है, आगरा होता है। सोहन अपने चाचे, चाचे क्या होता है, चाचा होता है भाई, क्या होता है, चाचा होता है। मोहन सवेरे जल्दी उठता है, ठीक है, मैं पटने से आया, पटने क्या होता है भाई, पटना होता है, सब में गलती है, सब में गलती है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ। आप भी सवेरे जल्दी उठिए और पेपर की खोपड़ी में छेद कीजिए, 4 बजे उठिए और दोस्तों कम से कम यहाँ पर 8 बजे तक पढ़िए, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, अभी पढ़ने का टाइम है, अगर आपने सोच लिया कि अब नहीं पढ़ना फिर तो सोच जाइए, SSC को भूल जाइए। अब आया है क्वेश्चन भाई, अब आया है क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए ये आपके लिए डाला है मेरा क्वेश्चन, शायद मेरी नौकरी इस वर्ष जरूर लग जाएगी, ठीक है, शायद इस वर्ष मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी, ठीक है,
शायद इस वर्ष मेरी नौकरी लग जाएगी या मेरी नौकरी शायद इस वर्ष लग जाएगी। अब बताइए आप में से कौन इसका आंसर दे सकता है। नौकरी का सवाल है भाई, क्या नौकरी का सवाल है? अब बताइए कौन इसका आंसर दे पाएगा। नौकरी का सवाल है भाई, बताइए नौकरी का सवाल है। याद रखिएगा, शायद मेरी नौकरी इस वर्ष जरूर लग जाएगी। भाई शायद ही बोल रहा है और जरूर भी लग जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। शायद इस वर्ष मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी, शायद भी बोल रहा है और जरूर भी बोल रहा है, ये गलत है भाई, ये गलत है। मेरी नौकरी शायद इस वर्ष जरूर लग जाएगी, जरूर बोल रहा है और शायद ही बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद इस वर्ष नौकरी लग जाएगी, शायद बोल रहा है और इसका मतलब क्या है यहाँ पर, नौकरी लग जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और आपकी भी नौकरी इस वर्ष जरूर लगेगी, शायद तो लगना ही नहीं है, शायद तो लगाना ही नहीं है भाई अपनी अपने लिए बिल्कुल। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। अब बताइए शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं लूंगा, मैं भोजन नहीं पाऊंगा। भाई कौन भोजन पाता है और कौन भोजन लेता है मुझे बताइए। खाना और करूंगा कर सकते हैं सब, कि मैं भोजन करने जा रहा हूं, मैं भोजन खाने जा रहा हूं। अब इसमें से बताइए, अब आपको बताना इसमें से ए और बी में से कौन सा होगा। तो भाई मैं भोजन नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं भोजन नहीं करूंगा, हमेशा ये बोलते हैं ना कि मैं भोजन नहीं करूंगा, ये इसका राइट आंसर होगा। खाऊंगा गलत है, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं भोजन नहीं करूंगा कि मैं भोजन करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं भोजन करने जा रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए सबका हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त। तभी तो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर आप बोलते हैं कि भाई मेरे हिंदी में इतने गलत कैसे हो गए। गौरव क्या होता है, बहुत बड़ा चीज़, यानी उसने गौरव हासिल कर लिया भाई, उसने गौरव हासिल कर लिया। अब गौरव का बताइए इसमें क्या हो जाएगा। लघु छोटा होता है, लघिमा, लघिमा दो बार आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है भाई इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये सब हो जाएंगे गलत, ये सब हो जाएंगे गलत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरव होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, तो लाघव होता है बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या भाई क्वेश्चन नंबर 22, कि दयालु का विलोम शब्द क्या है। भाई वो बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है, क्या वो बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा, बहुत ज़्यादा दयालु इंसान है, दयावान, इसका विलोम शब्द थोड़ी होगा भाई, दयावान तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और इसका करुणानिधि, ये भी दोस्तों नहीं हो सकता, अक्रूर ये भी नहीं हो सकता, इसका हो सकता है निर्दय। क्या वो दयालु है, वो भाई बहुत ज़्यादा निर्दय है यार, वो हमारे यार निर्दय का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा बेकार है, उसे बिल्कुल निर्दय है यार, वो तो हमारा कुछ काम नहीं कर सकता, इतना निर्दय है वो यार। तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान देना है। अब बताइए उपकार का क्या होगा, उपकार का क्या होगा भाई, उपकार, उपकार का जहाँ ऊ लग जाए और जहाँ ए लग जाए, इन दोनों का दोस्तों क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है, ये याद रखना कभी भी। जहाँ ऊ लग जाए और उसका ए बदलना होना, तो हमेशा उसका क्या होगा, वहाँ पर विलोम होगा। तो ए का लग रहा है, यहाँ हो रहा है, उपकार का अपकार, विकार नहीं हो सकता, प्रतिकूल नहीं हो सकता, कृतज्ञ नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई देखिए कितने मिनट है, 17 मिनट हो चुके हैं भाई और 24 क्वेश्चन नंबर पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्वाधीन का विलोम है, स्वाधीन बताइए, स्वाधीन बताइए, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है, स्वाधीन। देखिए भाई स्वा यहाँ लग गया है, स्वा, जिसके संग स्वे लगे और जिसके संग परा लग जाए, तो इसका विलोम होता है भाई, ये ट्रिक याद रखना कभी भी, जहाँ स्वे हो और वहाँ परा हो, वहाँ ऊ और आ का है या स्वे और परा का है, तो पराधीन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पराधीन इसका गुलाम नहीं होगा भाई, अधीन नहीं होगा, ना परतंत्र होगा, ठीक है, मैंने बता दिया है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और इसका तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब देखिए अथ का होता है भाई क्या, अथ का होता है प्रारंभ, किसी चीज़ को प्रारंभ करना, ठीक है, किसी चीज़ को प्रारंभ करना, और इसका दोस्तों क्या होगा, प्रारंभ। अब आप बोलेंगे कि भाई इसका अंत हो जाएगा, ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन भाई बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि अथ क्या है दोस्तों, अथ है संस्कृत भदक शब्द, तो आपको अंत का भी संस्कृत देखना पड़ेगा। तो अंत का संस्कृत क्या है, इति, इति क्या हो जाएगा, इति। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ भी दोस्तों ये बात अपने कानों में उतार लेना, कि जहाँ भी दोस्तों आपको विलोम शब्द लेना है, अगर संस्कृत भाषा का है तो संस्कृत में आंसर देना है, अगर हिंदी भाषा का है यानी दोस्तों तत्सम शब्द है तो तत्सम में देना है, और तद्भव है तो तद्भव में आंसर देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इनको आप लपेट दोगे, ये मुझे पता है बिल्कुल। दोस्तों खोपड़ी में छेद तो आपको करना ही है। अब आप अपना स्कोर बताइए कि 25 में से आपका जो स्कोर है कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, जिसने वीडियो पूरा देखा है ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और जिसने पीडीएफ नहीं लिया पीडीएफ को अभी परचेस कर लीजिए, क्योंकि एक अगर आपने पीडीएफ परचेस कर लिया ना तो आपकी सारी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। और फ्री क्लासेस तो यूट्यूब पर हम चला ही रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी लोगों के लिए तैयार हैं हम यूट्यूब पर गर्दा मचाने के लिए एसएससी जीडी में। तो 25 प्रैक्टिस सेट में से कितने आपके सही हुए हैं वो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।